मूवी की शुरुआत सैम को दिखाने से होती है जो कि एक डेबिट कार्ड से ज्वेलरी ऑर्डर करता है। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड भी डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा था। अब कुछ देर बाद सैम फोर्ड को पिक करके अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है और अब सीन आता है येत्सी पर जो डायन से ड्रग ले रहा था। इसके बाद हम राफा को देखते हैं जिसके स्टोर पर कस्टमर आकर सामान लेता है। जैसे ही वो क्रेडिट कार्ड देता है तो राफा उसका ध्यान भटकाकर उसके कार्ड को डिवाइस से स्कैन कर लेता है। अब जब कस्टमर वहां आकर पिन इंसर्ट करता है तो हम देखते हैं कि वहां कैमरा पिन रिकॉर्ड कर रहा था। अब अगले सीन में हम राफा और येत्सी को एक आदमी हैरी के पास जाकर उसकी गाड़ी तोड़ते हुए देखते हैं जो कि अपनी कार में किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। तब राफा उसकी वीडियो बना लेता है और उसे ब्लैकमेल करके वो उसे एक सूटकेस लूट कर ले जाते हैं और हैरी किसी मार्शल को फ़ोन कर सब बता देता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वहां सैम भी था और यहां हमें पता चलता है कि उनके पास डेबिट कार्ड्स राफा के पास से आते हैं। ये सभी इसी तरह कार्ड का क्लोन बनाकर उसे फ्रॉड किया करते थे। जिसके बाद वो सब तैयार होकर कॉस्ट्यूम पार्टी में जाते हैं जहाँ सबको पता था कि सैम फ्रैंकी को पसंद करता है, इसीलिए वो सब उसे फ्रैंकी से बात करने के लिए भेज देते हैं। अब अगले दिन जब सैम और फोर्डी ज्वेलरी की डिलीवरी लेकर अपने रूम में वापस आ रहे होते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह मार्सल अपने बॉडीगार्ड के साथ आया हुआ था और उन्होंने येत्सी और फोर्ड को मारकर बांधा हुआ था। मार्सल उन्हें बताता है कि हैरी मेरा अकाउंटेंट है और उसके पास जो टैबलेट था उसमें स्पाई गियर्स लगे हुए थे, साथ ही मैं तुम्हारे काम के बारे में भी सब जान चुका हूँ और अगर अब तुम लोगों को बचना है तो कल शाम तक मुझे वो चीज़ लाकर देनी होगी जिसकी लिस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब वो लिस्ट देकर सैम बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है और ये सुनते ही कैस्पर फोर्ड को मारने लगता है। तब मार्शल बोलता है कि कल मुझे सामान नहीं मिला, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद सैम परेशान होकर जल्दी से सामान खरीदने के लिए सोचने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि राफा ATM से पैसे निकाल रहा है और सैम फोर्ड और येत्सी मिलकर सामान खरीद रहे हैं। सब सामान खरीदने के बाद वो मार्शल को कॉल करके मिलने बुलाते हैं जहां मार्शल उनसे सामान तो ले लेता है पर वो फिर से उन्हें ब्लैकमेल करते हुए गन फायर करने लगता है और बोलता है कि अब तुम 2 मिलियन रुपये मुझे 2 वीक में दोगे नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और उसके जाने के बाद सैम और बाकी सब फिर से परेशान होने लगते हैं। अब अगले दिन सब बहुत परेशान होते हैं, तभी सैम बोलता है कि इतने पैसों के लिए उन्हें कोई बैंक का बंदा चाहिए होगा, जिस पर फोर्ड उसे फ्रैंकी के बारे में याद दिलाता है क्योंकि वो बैंक में काम करती थी। पर सैम फ्रैंकी को फंसाना नहीं चाहता था लेकिन आखिर में फोर्ड उसे मना लेता है और वो लोग फ्रैंकी की ईमेल हैक करने लगते हैं। तभी सीन फ्रैंकी पर आता है जो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में थी। जब वो घर पहुंचती है तो सैम उसे बाहर मिलता है और उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। जब सैम उसे कार्ड दिखाते हुए उस पर नाम पढ़ने को बोलता है, जैसे ही फ्रैंकी उसमें किसी और का नाम देखती है वो समझ जाती है कि सैम चोर है और वो लोगों के साथ फ्रॉड करता है। सैम उसे बताता है कि उसने चोरी करना अपने भाई की मेडिकल बिल भरने के लिए चालू किया था पर बाद में ही उसकी आदत बन गई और इतना बोलकर सैम उसे अपने साथ मिलने के लिए बोलता है, जिस पर फ्रैंकी पहले तो मना करती है पर सैम उसे पैसों का लालच देकर मना लेता है। अब सैम उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनके अकाउंट में बहुत ट्रांजैक्शन होते हो, जिसके बाद तुम उन कार्ड्स की डिटेल हमें दे देना और हम उन पैसों से ज्वेलरी खरीद कर उन्हें सेल कर देंगे। अगले दिन हम फ्रैंकी को बाकी सबके साथ देखते हैं जहां फ्रैंकी बताती है कि हम लंदन में ये नहीं करेंगे क्योंकि उसके कुछ कस्टमर कैलिफोर्निया के हैं और अगर वहीं पर स्कैम होगा तो वो लोग पकड़े भी नहीं जाएंगे। अब सब इसके लिए तैयार होकर कैलिफोर्निया निकल जाते हैं जहां एक होटल में फ्रैंकी उन्हें बताती है कि उसने टोटल 5 लोगों के डिटेल्स ढूंढे हैं जिनकी महीने में 8 मिलियन की ट्रांजेक्शन होती है और सैम उन्हें समझाता है कि अगर उन लोगों को बाहर घूमना है तो उन्हें इन कार्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होगा नहीं तो वो लोग मुसीबत में आ सकते हैं। जिसके बाद फ्रैंकी उन्हें अपने एक कस्टमर की डिटेल देती है। अगले दिन फोर्ड उस आदमी के पास जाकर उसका ध्यान भटकाता है और उसके कपड़ों में GPS डाल देता है ताकि उन्हें पता रहे कि वो लोग सेम टाइम पर शॉपिंग तो नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा होगा तो बैंक उनका कार्ड ब्लॉक कर देगा। जिसके बाद फोर्ड एक शॉप से बहुत एक्सपेंसिव वॉच खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ येत्सी पहले तो राफा को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि सैम उन्हें धोखा दे रहा है लेकिन राफा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद येत्सी फ्रैंकी के पास जाकर उसे बताता है कि सैम उसे पसंद करता है। तब फ्रैंकी कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। तब येत्सी बोलता है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, इसीलिए जैसे ही फ्रैंकी उसके थोड़ा नज़दीक आती है तो येत्सी उसे किस कर लेता है और फ्रैंकी गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है।
जिसके बाद हम सब लोगों को साथ में देखते हैं, जहाँ सैम ने काफ़ी सारी चीज़ें खरीद ली थी। तब राफा उन्हें एक ज्वेलर्स के बारे में बताता है, जहाँ एक ब्रॉच की कीमत $4,00,000 थी, जिस पर फ्रांकी बताती है कि उनमें से एक कस्टमर वहाँ से शॉपिंग करता है और अगर हम उसके कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो ज़रूर पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो लोग ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद राफा, फोर्ड और येथी थोड़ा इन्जॉय करने के लिए एक बार में जाते हैं और उनके जाने के बाद फ्रैंकी सैम से येथी पर थोड़ा नज़र रखने को बोलती है। वहीं बार में इन्जॉय करते वक्त येथी सैम से चुराए हुए कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है। फोर्ड और राफा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और यहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं जिन्हें देखते ही वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब फोर्ड सैम को कॉल कर नीचे आने को बोलता है और उसे सारी बातें बता देता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने कौन सा कार्ड खोया है। और सैम के चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने वही कार्ड खो दिया है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे थे। ये पता चलने पर सैम गुस्से में येथी को हिट कर देता है। अब अगले दिन हम उन सबको साथ देखते हैं, जहाँ सैम को राफा बोलता है कि अब वो लोग उस ज्वेलरी शॉप पर धावा बोलेंगे। इसके लिए उन्हें प्रिंस ज़फ़रान की ज़रूरत है जिसकी शादी होने वाली है। अब ये सुनकर सैम को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर राफा बोलता है कि वो लोग सीधा उस ज्वेलरी शॉप को कॉल करके बोलेंगे कि प्रिंस ज़फ़रान आपके यहाँ से ज्वेलरी खरीदना चाहता है, तो उन्हें कुछ सैम्पल्स चाहिए और इसके लिए वो अपनी शॉप की महंगी चीज़ें लाएगा। तब सैम बोलता है कि ऐसे तो बड़े आराम से वो लोग 20 मिलियन कमा लेंगे, इसीलिए सब लोग खुश हो जाते हैं। अब हम उन सबको मायामी में देखते हैं, जहाँ वो ज्वेलरी स्टोर के सामने वाला होटल रूम बुक कर लेते हैं ताकि वो वहाँ के मैनेजर पर नज़र रख सके। इसके बाद सैम प्रिंस का असिस्टेंट बनकर ज्वेलरी स्टोर में कॉल करता है और बताता है कि प्रिंस की शादी के लिए उन्हें कुछ ज्वेलरी के सैंपल्स चाहिए होंगे और स्टीव रॉयल फैमिली की वजह से तुरंत मान जाता है। जिस पर सैम बोलता है कि आपको लंदन पर्सनल मीटिंग करने के लिए आना होगा और हमारा रॉयल प्लेन आपको पिक करने आएगा। ये सुनकर स्टीव और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और नाचने लगता है। अब वो लोग सभी चीज़ें अपने प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और उन्होंने एक प्राइवेट जेट भी बुक कर दिया होता है और नकली एम्प्लॉयज़ को भी हायर कर लेते हैं। तभी एक दिन सैम को मार्सल का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि तारिक ने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। ये सुनते ही सैम तुरंत बीच की तरफ देखता है, जहाँ फ्रांकी के पास सच में तारिक था। सैम को देखते ही तारिक फ्रांकी पर उसरा रख कर बोलता है कि मार्सल ने सैम को याद दिलवाने को बोला है कि उनके पास अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। इतना बोलकर तारिक वहाँ से चला जाता है। तब फ्रांकी भी गुस्से में रूम में जाकर सभी से मार्सल के बारे में पूछती है, जिस पर कोई कुछ नहीं बताता, पर येथी उसे सब कुछ बता देता है। और ये सब सुनकर फ्रांकी अपने रूम में चली जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सैम फिर से येथी को मारने जाता है, पर फोर्ड उसे किसी तरह साथ काम करने के लिए मना लेता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग सैम स्टीव को कॉल करके बोलता है कि आपको लेने के लिए हमारा रॉयल प्लेन एयरपोर्ट पर आ गया है। ये सुनकर स्टीव अपने असिस्टेंट के साथ प्लेन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम लंदन में पहुंचकर अपना मेकओवर कराता है और स्टीव से मिलता है। वही कार में राफा प्रिंस ज़फ़रान बनकर बैठा हुआ था। सैम नाटक करते हुए स्टीव से बातों बातों में बोलता है कि प्रिंस सूटकेस पर्सनली देखना चाहते हैं, जिसके बाद सैम आगे वाली गाड़ी में फोर्ड के साथ जाकर बैठ जाता है और स्टीव को पीछे वाली गाड़ी में भेज देता है। अब सारी गाड़ियाँ चलने लगती हैं और थोड़ा आगे जाकर मौका देखते ही वो लोग गाड़ियाँ बदल देते हैं। तभी राफा के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, इसलिए राफा अपने ड्राइवर से फ़ोन लेकर येथी को कॉल करता है। तब येथी उसे फिर से सैम को धोखा देने के लिए बोलता है और उसे 10 मिलियन का लालच देता है, इसीलिए राफा उसकी बातों में आ जाता है। वहीं स्टीव को पता चल चुका था कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है और वो रोने लगता है। वहीं येथी सैम को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए कॉल किया है, साथ ही मार्सल अब तुम्हारी दिक्कत है, और ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है। ये सब सुनकर सैम बहुत परेशान हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि सूटकेस लेते वक्त उसने उसमें GPS लगा दिया था, जिसके बाद वो फोर्ड को राफा और येथी का पीछा करने को बोलता है और मार्सल को कॉल करके बोलता है कि तुम भेजी गई लोकेशन पर आकर अपना पैसा ले लो, जिस पर मार्सल उसे बोलता है कि तुमने सही काम किया है क्योंकि फ्रांकी मेरे कब्जे में है और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं उसे तारिक को सौंप दूंगा। वहीं हम स्टीव को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में था और अपनी कंप्लेन लिखवा रहा था। वहाँ से सीन येथी और राफा पर आता है, जो एक होटल में होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब येथी दरवाज़ा खोलता है तो हमें पता चलता है कि उसने ज्वेलरी बेचने के लिए डायन के बॉस मिस्टर एक्स को बुलाया था। वहीं बेसमेंट में हम सैम और फोर्ड को देखते हैं,
जहां मार्सेल की गाड़ी आती है और वो अपने गार्ड्स के साथ निकलकर ऊपर चला जाता है। उसकी जाते ही सैम उसकी गाड़ी के पास जाकर हैरी को मारते हुए फ्रैंकी के बारे में पूछता है, जो बताता है कि वो कार की डिग्गी में है, इसीलिए सैम उसे छुड़वा लेता है। वहीं रूम के अंदर मिस्टर एक्स ज्वेलरी देखने को बोलते हैं, पर येत्सी उन्हें पहले पैसे दिखाने को बोलता है। ये सुनकर एक गार्ड राफा के पैर में शूट कर देता है। तभी कोई डोर नॉक करता है। जैसे ही येत्सी डोर खोलता है तो बाहर मार्सल होता है, जिसे देखकर वो तुरंत गेट बंद करके सोफा के पीछे कूद जाता है। अब दोनों तरफ से फायरिंग चालू हो जाती है और काफी देर तक चलती है, जिसमें सब मारे जाते हैं और मार्सल भी घायल हो जाता है। तभी नीचे हम फायरिंग की आवाज से पुलिस को आते हुए देखते हैं। अब जैसे ही माहौल शांत होता है तो येत्सी सूटकेस उठाकर बाहर जाने लगता है। राफा भी किसी तरह से उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद मार्सल भी उठकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। पर वो सैम और फोर्ड पर ध्यान नहीं देता और सैम मार्सल पर गन तान देता है। वहीं येत्सी एक प्रेग्नेंट औरत की गाड़ी चुराकर भागने की कोशिश करता है और राफा को पुलिस पकड़ लेती है। तभी सैम येत्सी को रोकने के लिए उसकी गाड़ी ठोकने लगता है, जिस वजह से वह बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है, जिसमें मार्सल तो तुरंत ही मारा जाता है। अब फोर्ड बाहर निकलकर सैम को निकालने की कोशिश करता है, पर सैम उसे सूटकेस उठाकर जल्दी से भागने को बोलता है। इसीलिए फोर्ड रोते हुए सॉरी बोलकर येत्सी की गाड़ी के पास जाता है, जिसमें येत्सी भी मरा हुआ था, और फोर्ड सूटकेस लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद पुलिस सैम को पकड़कर राफा के साथ गाड़ी में बैठा देती है, जहाँ राफा सैम को सॉरी बोलता है। अब 2 साल बाद सैम जेल से बाहर आ जाता है और राफा अब भी अपने स्टोर पर ही काम करता था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सैम फ्रैंकी को भी उसके हिस्से के डायमंड्स देता है। और आखिर में हम फोर्ड और सैम को कहीं जाते हुए देखते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि उसके बाद वो डायमंड्स कभी नहीं मिले और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये थी इस फिल्म की कहानी, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।